तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन रात भी इसी तरह की हल्की बारिश होती थी, दो तीन मिनट में फिर रुक जाती थी। आसान नहीं है बाइक पर ट्रिप करना, स्पेशली इतनी हैवी बाइक्स को ऐसी रोड्स पे लाना। आपको वेलकम करता हूँ एक नए व्लॉग में और एक नई जगह पे और नई लोकेशन पे। आपने इसकी फ़र्स्ट एपिसोड देखी होगी कि हम इस जगह पे पहुँचे और हमने यहाँ पे कैंप सेटअप किए और हमने यहाँ पे रात गुजारी। बाकी बज रहे हैं 7, रात काफ़ी सर्दी थी, नींद इतनी ख़ास नींद नहीं आई है। हम बनाएंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाने के बाद फिर हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर हमारा इरादा होगा यहाँ से पैकिंग वगैरह करके इधर अभी डैम को हम करेंगे यहाँ से फिर बाय बाय। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी बना के फिर खुद को थोड़ा सा गर्म कर लूँ क्योंकि सर्दी काफ़ी है सुबह के टाइम। तो जैसे हम नाश्ता करने लग गए तो बारिश स्टार्ट हो गई और इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ख़ूबसूरत व्यूज़ हैं, सामने मेरे द्रबी डैम है और उसमें काफ़ी ख़ूबसूरत परिंदे हैं जो नज़र आ रहे हैं, फवक्तन फवक्तन उनकी आवाज़ें आ रही है और काफ़ी ख़ूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ पर इस वक्त। तो इस वक्त हम नाश्ता कर रहे हैं और साथ साथ कॉफ़ी दोबारा हमने बनाई है और कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन रात भी इसी तरह की हल्की बारिश होती थी, दो तीन मिनट में फिर रुक जाती थी।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई तेज़ बारिश होगी, अगर इन केस होती है तो हम एकदम जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे। दोस्तों तो अब यहाँ से हमने पैकिंग मुकम्मल कर ली, आप देख रहे हैं कि सारा यहाँ जो सामान पड़ा हुआ तो वो हमने सब उठा लिया है। और यहाँ पे इस वक्त दराबी लेक को हम इस वक्त कर रहे हैं खुदा हाफिज़। तो ये था TDCP का रेस्ट हाउस जो आज के बाद क्लोज़ होगा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से दो मंथ ये क्लोज़ रहेगा। तो ये हमारी बाइक्स हैं, बिल्कुल पैक हो गया, सारा सामान रेडी हो गया है। ये TRK 251 है और ये है CF Moto 800, बनेली CF Moto 800। तो अब यहाँ से हम अपने सफ़र का कर रहे हैं आगाज़ और हम निकलेंगे। आज हमारा इरादा है कि हम जाएंगे सोन वैली जाएंगे और देखते हैं रास्ते में अगर कोई और अच्छी जगह मिलती है तो वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ से अब निकलते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम और आज जा रहे हैं सोन वैली। और हल्की हल्की बारिश भी अब होने लगी है और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। ज़्यादा ख़राब हुआ तो हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लेंगे। कल का दिन बड़ा ज़बरदस्त गुज़रा और रात भी मज़े की गुज़री, तो आज है हमारे ट्रिप का सेकंड डे और प्लस सेकंड नाइट आज हम स्पेंड करेंगे कहीं पे। तो आसान नहीं है बाइक पर ट्रिप करना, स्पेशली इतनी हैवी बाइक्स को ऐसी रोड्स पे लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे व्यूज़ दिखाएं और एंजॉय करें। ये रास्ता है, ये द्राबी डैम को जाता है, आप देख सकते हैं। वापस हम मेन रोड पे आ गए हैं और ये साथ ही बलकसर का इंटरचेंज है। अब यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे। मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है और बारिशें वाला हो रहा है आज रात। अल्लाह खैर करें कहीं कैंपिंग हमारी बारिश की नज़र ना हो जाए। सामने मोटरवे, तो हम मोटरवे पे नहीं जा सकते इसलिए हम जाएंगे स्ट्रेट। खूबसूरत वादियों में हम अपना सफर मुसलसल तय कर रहे हैं। तलागंग के बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश है, इसको क्रॉस कर रहे हैं अभी हम।
आज हम कुकिंग के लिए कुछ लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास तो मैगी भी पड़े हैं, प्लस इसके अलावा हम सेवइयां भी बना सकते हैं, तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो आज हम कुकिंग के लिए कुछ नहीं ले रहे। तो अगर ये दो हमारे पास आए तो आज की कुकिंग हमारे लिए काफ़ी हो गई है। बाकी अंडे वगैरह हैं, वरना हम यहाँ से कुछ ले सकते थे कुकिंग के लिए। रात बारबेक्यू बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो आज इस पर गुजारा करते हैं। ये क्या हो गया हमला ना कर दे। ठीक। पुलिस वाले कहां से आ गए? चेक पोस्ट है। ठीक है, सोन वैली आगे है ना जी, जाबा जाएंगे, जाबे से राइट हो जाएंगे, पहले 5 किलोमीटर जाबा आएगा, जाबा, अच्छा, जाबे से फिर राइट होने सीधा सोन तक है। अच्छा, ले कहां पहले वाले ने रोका, दूसरे वाले ने पता नहीं उसको क्या कहा, कहता जाने दो, टूरिस्ट है। फिर उस ये देखे कैसे पहाड़ों की वैलियों में हम इंटर हो रहे हैं, खूबसूरत वैलीज आ रही हैं और खूबसूरत व्यू पॉइंट है। जाबा 7 किलोमीटर है, उस पे हमने राइट हो जाना है। तो ये आप भी देख रहे होंगे, आपको भी आइडिया होगा कि अगर आप आना चाहें तो कहाँ से और कैसे आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि सामने कितना खूबसूरत पहाड़ है, ये सारे कलर कहार के पहाड़ हैं। तो हम अब कलर कहार के जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें एंटर हो गए हैं। एकदम खराब रास्ता है, थोड़ा सा टुकड़ा। ये आ गया कनेटी बाग, 23 किलोमीटर, खब्बे की झील 17 किलोमीटर और उछाली लेक 44 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक पिक्चर। नौशेरा गांव 18 किलोमीटर है सामने, आप देख रहे हैं कि बारिशों के पानी से एक लेक बन गई है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत लेक्स है। चारों तरफ पहाड़ है और दरमियान में नौशेरा शहर है, उसके दरमियान में ये पानी आ गया, ये भी एक अलग खूबसूरती दिखा रहा है।
दोस्तों ये पानी में मुर्गाबियाँ इतनी हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परिंदे बहुत ज़्यादा हैं। परिंदों के लिहाज से ये बहुत फेमस है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आते हैं। इस वक्त भी ये आप देख रहे हैं कि परिंदों से भरा हुआ है सामने, मुर्गाबियाँ हैं पानी में। ये सामने आप देखें, ये कितना खूबसूरत परिंदा, ये देखें, ये पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरत जगह हैं और स्पेशली सोन वैली तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लोग जाते हैं नॉर्थ की तरफ, यहाँ आना चाहिए, इस्लामाबाद इतना दूर भी नहीं है। ये देखें मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं जो पानी में नज़र आ रहे हैं, जब आप खुद यहाँ होंगे आपको पता चलेगा। दोस्तों खबे की झील पे हम जा रहे हैं जी। सोन वैली खुश आमदीद खब्बे की झील, वेलकम टू खब्बे की लेक, वेलकम। इसको दे दो 10 रुपये में। सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। टूरिस्ट डेवलपमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। दर्शन डे कयामत डा मैं कर ली।